Hello gamers, welcome back again to my gaming channel Gamers Card and I'm your friend MKR Rocks. So okay guys, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में। अगर आप लोग इन सब चीजों का ध्यान देते हो गेम में तो आपका वो जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा, और नहीं भी ध्यान देते हो तो यार होगा सुधार, इसी बात नहीं है, लेकिन वो काफी देर से होगा। लेकिन अगर इन सब चीजों का अगर आप ध्यान देते हो तो आपका जो गेम प्ले है वो काफी जल्दी सुधार करेगा आगे चल के। तो अगर आप फ्री फायर में नए प्लेयर हो, अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। अगर आप फ्री फायर में पुराने प्लेयर और वीडियो में आ गए हो गलती से तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पता हो। अगर आप एक पुराने प्लेयर हो तो वीडियो बिना सोचे समझे स्किप करके चले जाओ, फिर बाद में कमेंट मत करना कि मुझे ये सब चीज़ें पता थी। देखो यार, ये एक चैनल है तो मुझे जितने भी बंदे हैं, पुराने बंदे नए बंदे, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फ्री फायर काफ़ी पॉपुलर गेम हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी डाउनलोड इसके बढ़ रहे हैं, तो नए बंदे काफ़ी ज़्यादा इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता रहती हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं गेम में, ठीक है। तो अगर आप एक नए प्लेयर हो तो पूरा वीडियो देखो, अगर आप पुराने प्लेयर हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने गेम प्ले लगा दिया है, गेम प्ले आप चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पे सबसे पहली बात करें, अगर आप लोग नए बंदे हो तो आप लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सबसे पहले लैंड कहाँ करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहती है आप लोगों में, ठीक है। तो देखो यार, बर्मुडा मैप का मैं बता दूं, यहाँ पे चार प्लेसेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है जहाँ पे बंदे काफ़ी ज़्यादा उतरते हैं। एक पीक, विमान शक्ति स्ट्रिप, क्लॉक टावर एंड मिल, एंड कभी कभी शिपयार्ड पे भी उतरते हैं, वो एरोप्लेन आने के हिसाब से है। तो इन चार जगहों पे, इन चार पांच जगहों पे अगर आप एक नए बंदे हो तो कतई वहाँ पे मत जाइए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एक नए बंदे हो तो आप जितना हो सके 25 से 30 मैच सोलो में आप डिफेंसिव खेलिए, मतलब कि बच के खेलिए। उसमें क्या होगा कि आप गेम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे कि गेम में क्या हो रहा है, बंदे क्या कर रहे हैं। अगर आपको बंदा कोई मार भी देता है आप उसको बैक करके वापस मत आइए, आप उसका गेम प्ले देखिए कि वो बंदा कैसे खेल रहा है, उसकी स्ट्रेटजी को देखिए कि बंदा कैसे एम कर रहा है, कैसे मार रहा है और कैसे कैसे वो चीज़ें कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, आप उसको एब्जॉर्ब करिए। मैं बहुत से बंदों को देखता हूँ, जब मैं भी हुआ करता था ऐसा, नया नया जब आया था तो मैं, मुझे कोई मार देता था तो मैं तुरंत बैक करके वापस चलाया था। लेकिन एक दिन मैंने किसी का गेम प्ले देखा, वो बंदा काफ़ी प्रो प्लेयर था, एलिट पास होल्डर था उस समय का, तो उसका गेम प्ले मैंने देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो उसके बाद से जब भी मुझे कोई मारता था मैं लगभग 4 से 5 दिन तक ये चीज़ कंटिन्यू किया था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल गई थी जो मुझे नहीं पता थी उस टाइम। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई बंदा मार भी देता है तो आप उसका गेम प्ले देखो, उसकी स्ट्रेटजी को महसूस करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा डिफेंसिव खेलते हो तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि ये गन ऐसी है, इससे ये होता है, इससे वो होता है। आपको वेस्ट के बारे में पता चल जाएगा, ग्लो वॉल के बारे में पता चल जाएगा, ग्रेनेड के बारे में पता चल जाएगा और गन्स के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मैप को ऑब्जॉर्व करो, समझो उसको, शुरू में तो ये है। और लैंड मैं आपको बताऊं, लैंड आप वहाँ करो जहाँ पे बंदे उतरते नहीं है, जैसा कि मैंने बताया 25 से 30 मैच में आप ऐसा करो। उसके बाद आप एग्रेसिव खेलना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में आप थोड़ा डिफेंसिव खेलो, कैंपिंग करो। डिफेंसिव में आप दो तरीके मतलब आप लोग अपना सकते हो। एक अपना सकते हो आप कैंपिंग, चीज़ें बटोर के एकदम आप एक घर में छुप जाओ जहाँ से आप लोग बंदे को, जहाँ से आप बंदे के ऊपर निगरानी रखो कि बंदा कैसे क्या कर रहा है, ठीक है, और उसको मारो कैंपिंग करके। और दूसरा तरीका आप लोग हो सकता है कि आप लोग बंदों को मारो ही मत, आपके सामने से बंदा चला जा रहा है, बंदे अगर आपको बंदा नहीं देख रहा है तो आप उसको बंदों को छुओ ही मत, ठीक है, आप उसको देखो कि वो क्या कर रहा है। और अगर आप किसी बंदे के ऊपर एक गोली भी मार देते हो, अगर वो पीछे से जा रहा है तो आप उसको छोड़ो मत, चाहे आप उसके पीछा करते करते मार जो आपको कोई मार दे, लेकिन अगर आपने किसी को मारा है गोली तो उसको पूरा ख़त्म करके ही छोड़ो, क्या पता वही बंदा आपको सामने से आके गोली मार दे और आपको पता भी ना चले, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे डिफेंसिव का मैंने बता दिया। अब एग्रेसिव आपको खेलना है यहाँ पे 25 से 30 मैच के बाद, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब ज़रूरी नहीं कि आपको 25 से 30 मैच में ही समझ में आए सारी चीज़ें, कई बंदों का दिमाग तेज़ होता है, कोई 15-20 में समझ जाएगा, कोई 10 में ही समझ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने 25-30 बता दिया है, आप लोगों का मन है कि आप लोग उस पर जाते हो कि नहीं। तो अगर आप एग्रेसिव खेलते हो तो एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि आप लोग बंदों के घर में घुस के मारते हो, आप बंदों का पीछा पीछा करके मारते हो, और यहाँ पे निडर खेलते हो कि हाँ ठीक है मरेंगे दोबारा खेलेंगे, इस तरीके का यहाँ पे होता है एग्रेसिव वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं आप लोगों का मेडकिट, नए बंदों को मैं देखता हूँ मेडकिट यूज़ करते समय और मशरूम खाते समय, गेम में मशरूम होता है आप उसको खाते हो तो ईपी बढ़ती है,
तो उसको खाते समय बंदे या फिर तीन तरीके अपनाते हैं नए बंदे, या तो वो लेट जाते हैं, या तो वो बैठ जाते हैं, या मैक्सिमम बंदे खड़े रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहाँ पे एक बैठने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बटन रहता होगा, आप लोग उसको मशरूम खाते समय एंड मेडिकेट यूज करते समय आप उसको टैप 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 करते रहिए। इससे ये होगा कि आपका जो कैरेक्टर रहेगा वो उड़ता बैठता रहेगा। इससे ये होगा कि आपको हेडशॉट नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात तो ये है आपको हेडशॉट नहीं पड़ेगा और आपके ऊपर कोई बंदा एम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी, 4-5 सेकंड का काम रहता है, वो जल्दी से हो जाएगा आप लोगों का। तो इसीलिए 1 सेकंड मतलब आप खड़े मत रहिए, आप 2-3 सेकंड भी आप खड़े रहेंगे तो अगर आप प्लेयर सामने वाला प्लेयर अच्छा है तो आपको आसानी से हेडशॉट मार के ख़त्म कर सकता है वहीं पे। जो जैसा कि आप लोग यहाँ वीडियो में देख रहे हो यहाँ मेडिकेट कैसे यूज़ हो रही है, उसी तरह आपको यूज़ करना है और इसी तरह टैप 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 करते रहना है और इसी तरह आपका जो कैरेक्टर होगा वो ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो हाँ, और एक और बात, इस वीडियो को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इससे अब 15 से 20 मिनट का भी वीडियो हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो देख के बोर हो जाए आगे चल के, इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगा। ये पार्ट रहेगा एकदम प्योर बिगिनर्स के लिए, जो नए एकदम आए हैं उनके लिए, और जो अगला रहेगा वो जो थोड़े बहुत खेल रहे हैं काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से, उनके लिए वो रहेगा पार्ट, ठीक है। तो मैं बता दूँ पार्ट 2 भी काफ़ी जल्दी आ जाएगा। तो ये तो हो गई यहाँ पे इसकी बात। अब यहाँ पे बात करते हैं लूट करते समय भी, आप लोगों को लूट करते समय आप लोग देखो आप लोग खड़े हो जाते हो और लूट करने का तरीका भी अगर नए बंदे हो तो आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग उसका बैक पे टेस्ट करके पूरा उसका लूट खोल सकते हो। आप लोग देखो यहाँ पे लंबा लंबा ऐसे ऐसे करके आता है, लेकिन अगर आप उस पर टच करते हो तो आप लोगों को वहाँ देखो पूरी लूट वहाँ पे खुल के आ जाती है। इससे क्या होगा, आप लोग औरों से जल्दी लूट पाओगे और काफ़ी जल्दी लूट पाओगे। और यहाँ पे आपको जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है कर्सर, आप लोग बोल लो जो भी बोल लो, इसको आपको राउंड 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 घुमाना है। क्या होगा, इससे आपका कैरेक्टर जो रहेगा वो गोल 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 घूमता रहेगा। इससे आपका जो अगला बंदा होगा आपके सामने से वो आपके ऊपर एम नहीं कर पाएगा और आपको जल्दी से हेडशॉट या कोई भी मतलब आपको मार नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा बंदे नहीं करते हैं, इवन यहाँ पे कई भी प्रो प्लेयर होते हैं वो अगर आप किसी ऐसे इलाके में घर में आप किसी को मार दिए तो घर में आप आराम से लूटो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के लूटो, खड़े होकर लेट के उल्टा सीधा कुछ भी लूटो। लेकिन अगर आप एक खुले एरिया में हो, आप एक फील्ड में हो और आपने किसी को मार दिया है तो आप वहाँ पे आप ये जो सर्कल है इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो। इससे ये होगा आप वहाँ पे लूट सकते हो, ऐसे नहीं कि आप लोग लूट नहीं पाओगे, लूट सकते हो। उसको आप ऐसे खोल लो, उसको लूटते रहो, अपना जो सर्कल है वो राउंड राउंड घुमाते रहो। इससे ये होगा कि आपका जो सामने वाला बंदा होगा वो एम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने ये सब सारे टॉपिक कवर करे हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि आपको गेम को एब्जॉर्ब करना है अच्छे से, गेम के बारे में सारी चीज़ें समझनी है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे करना है, मैप को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। अगर आप परगट्री खेलते हो, परगट्री में देखो यार एक ही जगह काफ़ी फेमस है, वो है ब्राज़ीला। ब्राज़ीला पे काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरते हैं, चाहे आप डुओ खेलो, चाहे स्क्वाड खेलो, चाहे सोलो खेलो। ब्राज़ीला एकदम बरमुडा में पीक के तरीके है, काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरते हैं। तो अगर आप एक नए प्लेयर हो और अगर आप परगट्री खेल रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पे ब्राज़ीला पे मत उतरो, किसी कॉर्नर पे उतरो, आप वहाँ से जाके गेम को अच्छे से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बरमुडा के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया है, और जो कॉमन सी चीज़ें थी जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता रहता नए बंदों को, उनके लिए मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो यही था पार्ट 1 में जो मुझे आपको बताना था इन सब सारी चीज़ों के बारे में। सॉरी यार, मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में यही था कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बताई थी। आई होप आपको सारी चीज़ें जितनी मैंने समझाई हैं थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई चीज़ तो नीचे कमेंट करो, पार्ट 2 आ रहा है उसमें भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन्होंने अभी भी फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया है। शेयर नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं यार। हाँ, और हाँ, अगर चैनल पर नया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो पाप ले जाएगा बहुत बुरा वाला, सड़ जाओगे एकदम, मैं बता रहा हूँ। तो बस यही था इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो गेम के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और बस यही था इस वीडियो में, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। छोटे सोच वाले तेरा मुकाला, तू बच्चाई से भिड़ गया समझा क्या लाला, तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, तू टूटेला ताला, तू खुलेला ताला, झूठी तेरी बोली तेरा